शिवपुरी में एक ने पत्नी को तो दूसरे ने सरेराह भाई को पीटा। पुलिस ने दोनों का कोर्ट तक निकाला जुलूस। शिवपुरी शहर के माधव चौक के पास एक युवक अपनी पत्नी को सरेआम पीट रहा था, जिससे लोग भी भयभीत हो गए। दूसरा युवक लाल माटी पर अपने भाई की मारपीट करते मिला। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया और जुलूस के रूप में दोनों को पैदल कोर्ट तक ले गए। कोतवाली टीआई रोहित दुबे ने बताया कि वह सोमवार की रात माधव चौक पर मौजूद थे। इस दौरान एक महिला दौड़ कर आई, बोली कि मेरा पति मेरी मारपीट कर रहा है। जिसके बाद टीआई मौके पर पहुंचे और उसके पति शिवराज पुत्र छोटे से करवा निवासी भानगढ़ थाना मोहना जिला ग्वालियर हाल निवास बाबूकाटा रोड शिवपुरी को पकड़कर थाने लेकर आए। वहीं लाल माटी में पानी की टंकी के पास एक व्यक्ति उत्पात मचा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रामवीर पुत्र फेरन सिंह रावत निवासी लाल माटी शिवपुरी को उत्पात मचाते धर दबोचा। रामवीर अपने भाई की मारपीट कर रहा था। रामवीर पर भी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस दोनों को पैदल कोर्ट तक ले गई। दोनों ने भविष्य में लड़ाई झगड़ा न करने की बात कही और अच्छी तरह से रहने का भरोसा दिलाया। बता दें कि एसपी अमन सिंह ने शहर के पार्कों व मुख्य चौराहों पर लगातार पुलिस बल तैनात रखा है ताकि कोई भी उत्पात न मचा सके। असामाजिक तत्वों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। रामवीर रावत, क्या कर रहे थे तुम? भाई से झगड़ा किया था, अब तो नहीं करोगे तुम? दारू पियोगे? उदम करोगे? आज के बाद नहीं करना? चलो ठीक है, जाओ।